आज ये दूसरी बार जा रहे कैरन, और इनको तो आप नहीं जानते होंगे। अभी जो सनसेट है वो अभी बाकी है, क्योंकि हम जितना ऊपर चढ़ रहे हैं उतना हमें सूरज दिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत टाइम के बाद वापस से मैं आज व्लॉग चालू करने वाला हूँ। मतलब अभी शुरुआत हो रही है घर से, तो जाना हमें है वो थंबनेल और टाइटल से भी आपको पता चल जाएगा, हमें जाना आज कैरन वैली। तो श्रीनगर से अभी ज़ुबैर और उसका एक फ्रेंड आ रहा है, यहाँ से मैं और साकिब निकल रहे हैं। वो बाइक वाइक रेडी है एकदम, और अभी मैं घर से निकलता हूँ, मुझे पहुँचना है साकिब के घर। देन उसके आगे क्या क्या प्लान होगा वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो बिना बात किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, आज बहुत टाइम के बाद वीडियो आया। ठीक है, तो चलते हैं। साकिब आ गया घर से, और अभी यहाँ से जो तैयारी थी वो हमने कर ली, जैसे कि टेंट उठाना था और साकिब को कुछ पैकिंग करनी थी वो भी कर ली। तो कुपारा में अभी कुपारा के नज़दीक ज़ुबैर पहुँचने वाला है, तो यहाँ से हम भी चलते हैं अभी जल्दी से। हमें लगेगा तकरीबन 20-25 मिनट लगेंगे हमें अभी, तो यहाँ से निकलते हैं जल्दी से और मिलते हैं आपको कुपारा में, और उनसे भी मिलाते हैं। ठीक है, अभी ज़ुबैर और उसका फ्रेंड पहुँच गए कुपारा, तो उनसे मिलाता हूँ। हेलो भाई, क्या हाल है, आप ठीक हो? अच्छे से? तो कैसा लगा कुपारा? कुपारा तो बहुत बढ़िया। ये दूसरी बार आए हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आज ये दूसरी बार जा रहे कैरन, और इनको तो आप नहीं जानते होंगे। ठीक, अच्छे से? सब बढ़िया एकदम। कहां बस इधर ही, इधर ही, इधर ही मिले, और अभी इधर से थोड़ी दूर जाना है जहाँ पे हमें जाना है कि वहाँ करालपुर में परमिशन लेनी है ना। हाँ, वहाँ पे परमिशन लेनी है, तो वहाँ परमिशन लेंगे, उसके बाद सीधा निकल जाएंगे। उसके बाद कैरन में गई, वो क्या यहां तो अभी अभी लेट भी हो गया ना, तो अभी निकलते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं ये दो बाइक से और निकलते हैं अभी। ठीक है, अभी हमें करालपुरा पहुँचना है। जैसे अभी हम कुपारा पहुँचे थे, वहाँ से अभी हमें करालपुरा तक पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पे परमिशन मिलेगी तब हम आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा करालपुरा रोड अभी, और लेट हो गया उसकी वजह से थोड़ा सा, मतलब ये मसला है कि परमिशन मिलनी चाहिए। अब पता नहीं वो लेट देते हैं नहीं देते हैं, तो अभी जाके ही पता चलेगा। उधर से ये भी आए हैं, तो चलो देखते हैं। अभी हमें करना है काम, यहाँ पे फॉर्म वगैरह भरना है, फिर यहाँ पे चौकी है तो वहाँ पे देने, जो कि परमिशन के लिए यूज़ होता है। चार चार, एक को जरूरत नहीं है, चार हैं यहाँ, चार उनको दे दे, चार देने हैं ना पोस्ट के, चार देने, एक तीन है, तू तीन को है। अरे था तुम्हें ना, कोई खबर क्या, परमिशन हमने ले ली अभी। ये परमिशन बैग में दिखाना भूल गया था, तो ये रही परमिशन, और 8 कॉपीज है इसकी, जो कि 8 जगह हमें देनी है। ठीक है, आगे तो अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि लेट हो गया और मेरे कैमरे पे कुछ लगा हुआ है। ठीक है, अभी ज़ुबैर ठीक आ रहा है, ज़ुबैर शूभता है अब। तो हमारे मेहमान जो कि कुपारा आज दूसरी बार आए, लेकिन हमसे मिले पहली बार है, तो आज हम निकल रहे हैं अभी। ठीक है, तो सारा कुछ हो गया डन, अभी डन। ठीक है, तो ज़ुबैर और दूसरे का नाम पीस है, कुछ गनो कुछ है, वो ये बाइक पे है। ठीक है, और यहाँ से अभी हो रहा है कैरन का सफ़र शुरू, बस आगे कहीं पे दिक्कत ना हो तो बाकी चलेगा। तो गाइस ये देख लो, यहाँ से कैरन की वादी स्टार्ट होती है, मतलब अभी दूर है काफ़ी, लेकिन स्टार्ट यहीं से है रास्ता। तो बाकी आप देख सकते हो, आज बहुत टाइम के बाद हमें खुद ये, मतलब बड़े बड़े पहाड़ वगैरह ये सब देखने को मिल रहे हैं, तो जब से हमने लास्ट वीडियो अपलोड की है तब से आज तक। ओके, तो आज पहले परमिशन का नहीं माना था, क्योंकि लेट हो गया था, 4 बजे से पहले पहले टाइम होता है उसके लिए, तो 4 बजे से पहले पहले आपको परमिशन मिल जाती है, 4 बजे के बाद नहीं। बाकी ये देख लो भाई, और मतलब आज फिर से वापस से वही सीन है जो हम पहले किया करते थे, यहाँ कहीं जाया करते थे। इस साल काफ़ी कम घूमा मैं, तो ये देखो यार, एक तो ये रिवर्स उतर रहा है, दूसरा ये ब्रेक मार रहा है, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, कोई आइडिया नहीं। ठीक है, और मेरे पास वो बाइक वगैरह नहीं है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा क्या सीन है ना, मेरे को ज़ोर से बोलना पड़ रहा है, तभी फोन में मतलब सारा कुछ ठीक है, गरीबी के लिहाज से सारा कुछ निकालना पड़ रहा है। ठीक है, जुगाड़ करने पड़ते हैं।
यू नो पैसे का मामला है बाबू भैया, पैसे नहीं है ना तो तभी ये सब होता है। तो अभी कोयसा मार्केट हम पहुंच गए और यहीं से मीलियाल मार्केट हम पहुंच गए। मैं इससे पहले भी आया एक दफ़ा यहाँ पे इस जगह पे, तो क्या बोलते हैं इसको, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, मैंने उस बारे में वीडियो भी बनाया है, लेकिन आज हम दूसरे मतलब जो कि सबसे सबसे ना मतलब मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो है केरल। अब यहाँ पे इनको आगे निकलने देते हैं क्योंकि हमारी बाइक थोड़ी हाई है, हाई से इसलिए उनकी लो, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अगर मैं आगे निकल जा रहा हूँ तो इतना वेट करना पड़ रहा है। अब मैं जल्दी से पीछे चलूँगा तो चलते जाएँ। हाँ जी, आपको देखने को मिलेगा व्यू पूरा, देखो गाड़ियाँ फुली लोडेड, ओह लेकिन यहाँ से बंद भी है। ये देखो यार यहाँ से गुब्बारा ना दिखता है, पूरा गुब्बारा नहीं लेकिन आधा अधूरा गुब्बारा दिखता है। और जंगल का रास्ता यहाँ से स्टार्ट हो गया, शेर बाल वगैरह कोई भी हो सकता है। ये देखो पिकअप खाली लोडेड, ये क्या बोलते हैं लोगों को लेके आ रही है, तो मजदूरी करते ना उधर पे शायद, तो हो सकता है वही लोग होंगे। बाकी ये देखो यहाँ से सीधी स्टार्ट है और इतनी ज़बरदस्त है, वापस वही फ्लैश बैक में हम चले गए जो कि हम पहले के टाइम पे जाया करते थे जब हम ब्लॉग बनाया करते थे। तो गाइस यहाँ पे रुक गए हम, पता है क्या, आई डोंट नो मेरे बालों की हालत क्या हो गई होगी, अब जो भी है सही है। तो क्या बोलते हैं ये हेलमेट के कारण हो गया और हमने थोड़ा सा वेट आगे कर दिया। वो देखो वो आ रहे हैं अभी मोड़ने, हम यहाँ पे रुक गए और बाइक आज थोड़ी सी गंदी है, अब चलेगा। ये देखो ये लोग वहीं से आ रहे हैं और हमारे लोग भी आ गए, ये देखो। तो रेस्ट हम करेंगे इस वाले चेक पोस्ट के बाद, चेक पोस्ट थोड़ा वेट करेंगे थोड़ा। ये श्रीनगर से आई ना, तो वही सोच रहे वही इसके बारे में भी सोच रहे हैं, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, चलती रहेगी इसको चलाओ चलाओ। हम आपका वेट कर रहे थे ठीक है, इतना मतलब इतना खूबसूरत था, मतलब ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ आने का और वो भी बहुत मज़ेदार, मतलब इतनी खूबसूरत जगह। तो आप भी देख लो और हम भी देख रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं साथ में हमारे दोस्त। तो दिस इज अवर कश्मीर ठीक है, कश्मीर गुब्बारा, चलते जाओ और बढ़ते जाओ मंजिल की ओर। तो गाइस पहले चेक पोस्ट पे हमने दे दिया ये वो परमिशन का एक फॉर्म, तो अभी ऐसे सात है तकरीबन, सात जगह और देना है और फिर हमें आगे जाने देंगे, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग ये देना पड़ता है वो परमिशन का फॉर्म, उसका सिरॉक्स होता है, ओरिजिनल अपने पास रखना होता है, तो उसी को लेके हम चल रहे हैं अभी। अभी दूसरा पोस्ट देखते हैं कहाँ पर होगा क्या होगा हमें नहीं पता, क्योंकि हम पहली बार आए हैं, और वो तो आए इससे पहले ठीक है। तो ये देख लो यार इस खड़ी चढ़ाई को चढ़ना है, अब यहाँ से चढ़ना है शुरू ठीक है। आए यार मैं नींद को छोड़ रहा आगे। तो गाइस ये देखो अब ये है मतलब इसका टॉप, इसे आगे भी है एक टॉप जहाँ से फिर नीचे उतरना है, तो फिलहाल अभी तक हम चढ़ ही रहे थे और काफ़ी रील्स वगैरह हमने उठा ली, फ़ोटो तो हम भूल गए खींचना, फ़ोटो नहीं हम खींचते रील वगैरह खींचते हैं। तो बाकी ये देखो यार मंजर क्या, आहा एक साइड से सनलाइट, लेकिन यहाँ से अब ना ठंड लगने लगी कसम, भाई ने जैकेट भी पहन लिया मैंने, हमने अभी कोई जैकेट वगैरह नहीं पहना, तो हम आगे देखेंगे, हमारे साथ अपर है इनकेस अगर ठंड लगे तो। तो बाकी सब सीन सेट है और ये देखो यार लेफ्ट साइड से देखो ना तो मतलब काफ़ी नीचे का दिख रहा है, वो यहाँ से गया तो समझो मर गया, बाकी अल्लाह खैर करे हर एक सही सलामत रहे। ये देखो यार एक तो सनसेट और ऊपर से हमारा जाना, अचानक से प्रोग्राम हो गया और अचानक से निकल पड़े। तो बाकी आप देख लो ये पी गली, इसका मतलब ओरिजिनल नाम नहीं पता लेकिन पी गली जो लिखा है उसके वो 6 किलोमीटर है यहाँ से, वहाँ तक हमें पहुँचे फिर उधर से उतरना ही उतरना। सो
मचिल का रोड आपने देखा, ये थोड़ा सेम वैसा ही रोड यहाँ से, और सेम वैसा ही मतलब पहाड़ जंगल वगैरह सारा कुछ वैसा ही, पहाड़ और हम, पहाड़ हम और हमारी गाड़ियाँ, बस ये देखो ये है स्थान। अभी जो सनसेट है वो अभी बाकी है, क्योंकि हम जितना ऊपर चढ़ रहे हैं उतना हमें सूरज दिख रहा है, और नीचे से नीचे थे ना तो टोटल डार्क हो गया था, जैसे अभी आप देख सकते हो वीडियो में, नीचे से डार्क है, जितना ऊपर हम चढ़ रहे हैं उतना हमें सन दिख रहा है, तो इतना प्यारा नज़ारा। कि और भी बाकी है, अभी कैरन वैली बाकी है, ठीक है, ये तो रास्ते हैं जो आप देख रहे हो, यहाँ से देख लो टाइल्स लगे हुए हैं, जैसे मचिल सेक्टर में है तो वैसे ही यहाँ पे भी है, टाइल्स वाला थोड़ा दिक्कत करता है, तो वो जो तारकोल वाला होता है तो वो बेस्ट होता है। अब ये नहीं पता ये कहाँ तक है, लेकिन अब क्या करें, रोड नया नहीं बना सकते, हमें चलना है, ठीक है, तो हमें पता नहीं था हम आज के दिन यहाँ 26 किलोमीटर है यहाँ से, 26 किलोमीटर 26 किलोमीटर है यहाँ कह रहे हैं, ठीक है, 26 किलोमीटर कितने खुश है सभी, हमें नहीं पता था आज का ट्रिप यहाँ होने वाला है, तो यहाँ से अभी देख लो, एक तो है उस्ताद ये आर्मी का कुछ है, और जो ये केरन है, तो यहाँ पे हमें जाना है, ठीक है, तो लोग यहाँ पे रहते हैं, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, 24 किलोमीटर दूर जाना है, बाकी जैसे जगह और एक जगह यहाँ पे देना था जो पास में ही है, वो परमिशन का एक ज़ेरॉक्स वो हमने दे दिया, अब चलते हैं आगे, इसको फर्किन टॉप कहते हैं, ठीक है, तो अभी हम चलते हैं आगे और मिलते हैं आपको डायरेक्ट, अब फर्किन टॉप में मिलते हैं, फर्किन टॉप चलो। बाइक दिख रही, वो भी ब्रेक लगाते लगाते, इतना मतलब डाउन है ना, डाउनफॉल यहाँ से शुरू है जो हमारी जिंदगी में चल रहा है, लेकिन ठंड जो है ना वो माइनस है, मेरे को कांप रहा हूं मैं, ऊपर से नाक भी बह रही है, इतनी ठंड है, ओहो पानी भी, ओहो शुद्ध पानी, जगह क्या है, जगह अपनी वाली जगह, मतलब सही में पहाड़ों के पीछे वाली जगह ये है, मजेदार और शानदार, और मतलब पूरा ना सुकून भरा है, जो टेंशन हमें घर पे होती है वहाँ पे मतलब होती है, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, घर पे बहुत सारे टेंशन, मेरे आँख में फोकस है, ये स्लाइड वाला रोड, और जो कि बहुत भयंकर है, इसका हमने किताब में पढ़ा था, अब बहुत ध्यान से जाना है यहाँ पे, क्योंकि स्लिप भी हो सकती है, पानी है ना इस रोड पे, पानी मिट्टी मिट्टी, तो अभी केरन थोड़ी दूर है दूर थोड़ी दूर कह के मतलब पता नहीं हम कितना चले हैं, अब हिसाब ही नहीं आता कितने किलोमीटर है, ये देख लो यहाँ से ऑफ रोडिंग शुरू है, मतलब वैसे जैसे लद्दाख साइड जाते ना, ये देखो गाड़ी कहाँ पे लेके गए इसमें से, ये देखो देखो पता नहीं उधर क्यों लेके जानी है गाड़ी, अभी हमें इस रास्ते से जाना है, ये देखो यार उस रास्ते से नहीं जाना है, हमें इस रास्ते से जाना है यहाँ से, तो यहाँ से अब ख़त्म रोड है, क्योंकि लास्ट ये जो है चेक पोस्ट वो यहाँ पे है, इसके आगे अब केरन वैली आ गई, देख लो ये रही हमारी ऑफ रोडिंग, आधे रोड पे पत्थर है, आधे पे मिट्टी, तो खैर हमें तो चलना है, ऊपर से पिछला टायर खत्म है, खत्म है, लेकिन फिर भी हम चल रहे हैं, चलो चले 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 चलो, अरे मतलब सारा रोड ऐसा ही है, अब नहीं मिलेगा कहीं पे हमें पक्का वाला रोड नहीं मिलेगा, वीडियो की स्टेबिलिटी होगी बर्बाद, दिस इज आवर ऑफ रोडिंग फ्रॉम हियर, ओके, तो अभी मैं वीडियो बंद करता हूँ, क्योंकि अभी आगे भी उठाना है ना, तो कुछ स्पेशल मिलेगा तो आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे हम वीडियो बंद करते हैं बैटरी बचाने के लिए, ओ अपने भाई आ रहे हैं भाई, तो फिर
जी तो सात 22 हो गए और यहाँ से देख लो आधे साइड से अभी दिन है, आधे साइड से रात, और हम कर रहे हैं अभी ऑफ रोडिंग। इतनी भयंकर ही देखो कितनी, मतलब यहाँ पे वो कच्चा रोड भी इसको नहीं कह सकते, मतलब बनाया गया है रास्ता जहाँ से गाड़ियाँ चलती है, मतलब हमारी तरह इतनी स्किट होती ना भाई, कसम से पूछो मत। जान से चलना पड़ता है, जान से नहीं चलेगा इंसान खाई में जागे रहेगा और ख़त्म। ये ट्रिप उसकी फिर लास्ट ट्रिप होगी, तो ये एडवेंचर करने चाहिए लाइफ में, मतलब इंशाल्लाह आगे ज़िंदगी रही तो हम ऐसे ही चलते रहेंगे, जो कहीं भी जहाँ कहीं भी हमें मौका मिले हम वहाँ जाएंगे। तो फिलहाल हमें अभी कैरन पहुँचना है। गाइज हियर इट इज़, वो है पाकिस्तान का साइड एंड ये है इंडिया का साइड, और ये देखो लास्ट पोस्ट ऑफिस जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक है, केरन सेक्टर का जो है वो ये है, ठीक है पोस्ट ऑफिस ये। और आपको अगर ये देखना है तो ये देख लो, यहाँ से पाकिस्तान का ये दिया गया है मैप, मतलब ये कितनी दूर है, शारदा पीठ 27 किलोमीटर मुजफ्फराबाद, तो इसका अलग अलग है वो देख लो। तो और जो यहाँ से इंडिया का दिया गया है, तो कौन कौन सी जगह कितनी दूर है यहाँ से, अभी हम पहुँच गए और कहीं पे हम स्टे करते हैं, ठीक है। नाइट का स्टे अभी हमने डिसाइड नहीं किया, एक जगह पे हम आ गए, अभी देखते हैं यहाँ पे रहेंगे या टेंट में रात को। हमें टेंट साथ है, जुबैर को भी टेंट साथ है, बाकी वो देखने को मिलेगा। तो अभी क्या तुम्हें नहीं है साथ, चल एक ही टेंट में सोएंगे हम, तो सोएंगे कमरा अच्छा है, हमारे पास तो पांच साथ है, वही ओढ़ के सो जाएंगे, ठीक है वो मसला नहीं है, वो देखेंगे हम बाद में डिसाइड करेंगे। फिलहाल जो डिनर है फिलहाल के लिए अभी पनीर और फुलके, ये जुबैर लाया घर से, दिन का लंच कर रहे हैं वही ना, मतलब अभी का है ना, डिनर भी करना है, तो ये डिनर के साथ ही आएगा, आप ये लंच के साथ थोड़ी आएगा, खाओ लाओ 1 बजे खाओ शाम को, डिनर का हिसाब लंच का हिसाब अलग होता है डिनर का अलग। चलो ये चलिए जी, गलती होगी, ये लंच है हमारा तो अभी डिनर बाकी है, तो हम फिलहाल ये सब करते हैं, खाना वाना खा के फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि स्टे कहाँ पे होगा रात को। सो गाइस डिसाइड अभी तक भी नहीं हुआ कि हमें स्टे कहाँ पे करना है, टेंट में करें या उधर रूम पे, क्योंकि पहले तो इतना डेवलप नहीं था, जैसे यहाँ ये दूसरी जगह है यहाँ पे टेंट्स वगैरह अवेलेबल है, ये बोलते हैं आप सो सकते हो यहाँ पे, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। और बाकी जो चीज़ है वो ये है पाकिस्तान का साइड और ये है इंडिया का, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 100 मीटर या कुछ होगा, वहाँ से देखो वो पाकिस्तान की गाड़ी जा रही है। और क्या बोल रहा था मैं, हाँ ये जब से वायरल हो गया नहीं ये जगह, तो तब से यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा है, और टूरिस्ट के लिए वगैरह ये सब रूम्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल हैं ये साइड पे, ये देखो जो इनके घर थे इन्होंने वो रूम्स में कन्वर्ट कर दिए, और आजकल ये वैसे ही रूम देते हैं जो भी यहाँ पे आता है। तो अभी हमें डिसाइड नहीं हुआ कि हमें कहाँ जाना है, वो देखो वो साइड जो लाइट है ना, तो वो है पाकिस्तान का एरिया, ये घूम के सारा पाकिस्तान, तो जो मैंने आपको वो पाकिस्तान का फ्लैग दिखाया था POK और वो पाकिस्तान, तो वो वहाँ पे है, ठीक है। तो ये है इंडिया का साइड और इंडिया का फ्लैग वहाँ पे लगा हुआ है, तो ये देखो हम बराबर खड़े हैं किशनगंगा या नीलम वैली, जो आपके कह लो इसको, तो इसको दोनों नाम है, इंडिया के साइड से किशनगंगा, उस साइड से नीलम वैली, वो देखो वहाँ पे भी टूरिस्ट वगैरह मतलब जो वहाँ पे आते हैं तो उनके लिए वो स्टे होम स्टे वगैरह वो सारा कुछ बनाया है, रेस्टोरेंट एंड ऑल, तो सेम वैसा ही है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा चमक रहा है वहाँ पे, लाइटें वाइट अच्छे से लगी है और यहाँ पे उतना नहीं, बाकी यहाँ पे भी आप जा सकते हो पानी के नज़दीक, यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह सारा कुछ और जाल भी लगा हुआ है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे कूद गया था कोई, बाकी अभी ये भी व्लॉग अपना बना रहे हैं क्योंकि ज़ुबैर का पता ही आपको और परू भाई वो भी व्लॉगिंग करते हैं, तो ऑल ओवर जो भी यहाँ पे चमक रहा है ना वो यही इंडिया पाकिस्तान आपको दूर से दिखेगा, क्योंकि पहले मैं कंफ्यूज हो गया था आते टाइम, क्योंकि रात का टाइम है तो पता नहीं चलता, अभी दिन में जब आपको देखने को मिलेगा तब आप फुल ये देखेंगे, ठीक है। पाकिस्तान के साइड वहाँ पे वो देखो वहाँ पे है ना, तो ये अभी यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये यहाँ से इनको लाइट दिखा रहे हैं, वो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है और ये यहाँ पे साकिब ज़ुबैर अभी ब्लॉग बना रहा है, वो देखो कल सुबह हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, अभी ज़्यादातर नहीं है, लेकिन वो देखो वहाँ पे है ना उस हट के पास, तो वहाँ पे वो फोटो खींच रहे हैं कुछ, तो और पाकिस्तान की गाड़ियाँ उस साइड से, वो देखो
ट्रक वर्क जो भी है चल रहा है, ठीक है।